हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कॉर्नर। मेरा नाम चंदन है और आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो बीपीएससी, बिहार SI या फिर किसी भी बिहार से संबंधित गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार के नक्शा को दिलो दिमाग में बसाने वाले हैं, क्योंकि इसके बिना आपकी तैयारी बहुत ही कठिनाई भरी हो सकती है और कन्फ्यूजन से भरा हो सकता है। तो बिना देर के चलिए शुरू करते हैं। निवेदन है, सब्सक्राइब लाइक से हमें सपोर्ट जरूर करते रहें। दोस्तों, सबसे पहले बिहार जान लीजिए कि हमारे भारत में कहाँ पर है। बिहार आप देख सकते हैं, ये रहा बिहार हमारा। और डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन आप इससे समझ सकते हैं, अगर इधर साइड किसी राज्य की बात करें, ये पूर्व दिशा होगा, ये पश्चिम दिशा, नीचे की तरफ साउथ और ऊपर में नॉर्थ। और इस तरह से देखा जाए तो हमारे बिहार के इस डायरेक्शन में यानी कि वेस्ट में उत्तर प्रदेश है, नीचे की तरफ यानी साउथ में झारखंड है, पूरब में पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल का बाउंड्री ध्यान से देखेंगे तो पूरी तरह से बिहार को पूरब दिशा में घेरे हुए है, और उत्तर में नेपाल जो कि एक कंट्री है। इस तरह से हमने पाया कि बिहार तीन तरफ से राज्यों से घिरा हुआ है और उत्तर दिशा में नेपाल देश से घिरा हुआ है। तो ये आपको याद रहना चाहिए कि हमारा जो बिहार है उसका कौन कौन सा चौहद्दी है, यानी कौन कौन से राज्य उसको छूते हैं और कौन सा देश उसको छूता है। इस तरह से अगर बिहार की आकृति पूछा जाए, बिहार की आकृति चतुष्कोणीय या फिर आयताकार होगा। अब हम देखेंगे हमारा अगला चैलेंज जो कि है बिहार में सभी राज्यों को मन में बसाना। आप जानते हैं कि बिहार में कुल 38 जिले हैं। 38 जिलों को कैसे हम लोग याद करेंगे, कौन सा मेथड है मेरे पास जो मैं ऐसे दावा कर रहा हूँ कि आपको याद करा दूंगा, चलिए देखते हैं। देखिए, इन्हें याद रखने के लिए आपको याद रखना होगा कि हमारे बिहार राज्य में कुल 9 प्रमंडल है। प्रमंडल को प्रजामंडल के नाम से जाना जाता है और इंग्लिश में एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन भी कहा जाता है। तो कुल प्रमंडल हमारे 9 हैं। कौन कौन से प्रमंडल हैं, तो यह है पटना, तिरहुत, सारण, कोसी, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर, मगध। याद रखने के लिए आप इस चीज़ का हेल्प ले सकते हैं, यह है PPT MMS KBD, और बहुत मुश्किल नहीं है। PPT यानी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को हम लोग PPT कहते हैं। जो हम अभी वीडियो आपको दिखा रहे हैं एनिमेशन के थ्रू, ये पावर पॉइंट का है, तो PPT हो गया। MMS, SMS ये सब आप जानते हैं, और ये हो गया KBD। KBD यानी एक प्लेयर का नाम ही है KBD, KB डिविलियर्स, 360 डिग्री उनको कहा जाता है, क्रिकेटर हैं। तो PPT, MMS, KBD से P से पटना, पूर्णिया और तिरहुत, M से हो जाएगा मुंगेर, मगध, सारण, के से कोसी, भागलपुर, दरभंगा। बहुत ईजी है, ये याद रखना बहुत आवश्यक है। वीडियो को पॉज करके एक दो बार देखेंगे, PPT MMS KBD आपको याद हो जाएगा। तो चलिए, जैसे कि हमने आपको कहा कि हम लोग प्रमंडल के थ्रू याद करने वाले हैं, तो प्रमंडल हमारा सबसे पहला तिरहुत प्रमंडल है। आपको ज्ञात हो कि पूरे प्रमंडल में यानी सभी 9 प्रमंडल में सबसे बड़ा प्रमंडल हमारा तिरहुत प्रमंडल है। सबसे बड़ा मतलब कि क्षेत्रफल के दृष्टि से, और इसका क्षेत्रफल कुल 17,147 स्क्वायर किलोमीटर है। सेकेंड लार्जेस्ट जो हमारा प्रमंडल है वो है पटना प्रमंडल, 16,960 स्क्वायर किलोमीटर। और यदि पूछा जाए कि सबसे छोटा प्रमंडल कौन है, तो हमारा होगा भागलपुर प्रमंडल, जिसकी जो क्षेत्रफल है वो 5589 यानी 5589 स्क्वायर किलोमीटर है। हम ध्यान देंगे यहाँ पे तिरहुत प्रमंडल पे, ठीक है। तिरहुत प्रमंडल में आप देखेंगे दो जिला बहुत ही खास है, ये है शिवहर, पूरे बिहार का सबसे छोटा जिला है, और एक है पश्चिम चंपारण जो पूरे बिहार का सबसे बड़ा जिला है। तो दोनों ही तिरहुत प्रमंडल में पड़ता है और खुद तिरहुत प्रमंडल सबसे बड़ा प्रमंडल है। देखिए, अब जिला पर ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, दोनों जो है चंपा करके है। उसके बाद बीच में शिवहर है, छोटा सा डिस्ट्रिक्ट, और ठीक बगल में सीतामढ़ी है। तो सीतामढ़ी, शिवहर, दोनों चंपारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, ठीक नीचे में मुजफ्फरपुर, और उसके नीचे वैशाली। नीचे से देखिए वैशाली, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, ये 6 डिस्ट्रिक्ट हैं। आपने अगर देख लिया है तो चलिए एक हम आपको ब्लैंक मैप शो करते हैं, आप इसमें बता सकते हैं कि तिरहुत प्रमंडल कहाँ पर है। बिल्कुल, आपने ध्यान दिया है तो आपको ये सब कुछ क्लियर है।
अब आप डिस्ट्रिक्ट का नाम बता सकते हैं? ये देखिए, ये है आपका पश्चिम चंपारण, सबसे बड़ा जिला। उसके नीचे पूर्वी चंपारण, ठीक बाद ये आपका कौन सा जिला है? शिवहर जिला। ये है सीतामढ़ी जिला, नीचे में है मुजफ्फरपुर, और नीचे में यहाँ पे वैशाली। एक बार और बोलिए, ये है वैशाली, मुजफ्फरपुर, शिवहर, ये आपका सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और ये पश्चिमी चंपारण। बिल्कुल इजी, आपको ये याद रहेगा। तिरहुत प्रमंडल के बाद हम लोग अब जस्ट राइट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अब ये हम इस प्रमंडल के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। इस कलर को जरा देखिए, कौन सा कलर है? दरभंगा, यानी हम दरभंगा प्रमंडल को पढ़ने जा रहे हैं। दरभंगा प्रमंडल मात्र 3 डिस्ट्रिक्ट के लिए जाना जाता है। यहाँ पे 3 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन है? समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी। ऊपर से देखें तो मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, 3 ही है। अच्छा, दरभंगा एक तो प्रमंडल है और दरभंगा खुद एक डिस्ट्रिक्ट भी है जो कि बीचों बीच है। नीचे में है समस्तीपुर। समस्त मतलब होता है ऑल, सभी हो जाना, समस्त चीजें। तो समस्त दरभंगा, समस्त डर भाग गया। कैसे भागा? तो मधुबनी बोलने से। अगर आपके सामने कोई गुंडा प्रवृत्ति का आदमी अगर आ जाए, चिल्ला चिल्ला के बात करे, तो कमजोर आदमी होगा, वो डर जाएगा। लेकिन कितना भी बलवान हो, पतला हो, कोई भी हो, अगर मधुबनी से बोलेगा तो उसके अंदर का डर क्या हो जाएगा? भाग जाएगा। तो मधुबनी से डर भाग जाता है। क्या थोड़ा मोरा? नहीं, समस्त डर भागा मधुबनी बोलने से। तो हमने कर लिया अभी अभी दरभंगा। और दरभंगा आपको क्या दिख रहा है इस मैप में? दरभंगा प्रमंडल, ये यहाँ पर है। दरभंगा प्रमंडल में दरभंगा बीच में है, ये तो पक्का है। ठीक ऊपर में कौन था? ये है मधुबनी, डर भाग गया था मधुबनी बोलने से। और नीचे में समस्तीपुर है, समस्त डर भाग गया था। साथ ही साथ हम तिरहुत भी कर ही लेते हैं। तिरहुत में ऊपर में पश्चिम चंपारण, नीचे में पूर्वी चंपारण, ये रहा शिवहर, ये है सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और ये वैशाली। आगे बढ़ते हैं। अब ठीक बगल में ये देखिए, ये कौन सा प्रमंडल है? कलर पहचानी, ये कोसी प्रमंडल है। कोसी प्रमंडल में भी 3 डिस्ट्रिक्ट आता है। ये है सुपौल, मधेपुरा और सहरसा। ध्यान देंगे, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, ये 3 डिस्ट्रिक्ट कोसी में आता है। सुपौल सबसे ऊपर है, ठीक बीच में मधेपुरा है और उसके नीचे है सहरसा। आपको वही याद हो गया होगा, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा। आते हैं मैप में, यहाँ पे देखिए, क्या आप यहाँ पर कोसी प्रमंडल को ढूंढने में सक्षम हैं? ये यहाँ पर है कोसी प्रमंडल। जैसा कि मैंने आपको कहा था, ऊपर वाला डिस्ट्रिक्ट जो है ये आपका सुपौल है, ये मधेपुरा है और नीचे में सहरसा है। सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, इसके ठीक पहले हम लोगों ने कौन सा प्रमंडल किया था? ये प्रमंडल था दरभंगा। ऊपर में मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, और इसके पहले जो प्रमंडल था वो था तिरहुत प्रमंडल। इसमें क्या था? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और वैशाली। तो ये 3 हम लोग प्रमंडल कर चुके हैं, ठीक है। तो ये कोसी प्रमंडल के ठीक बाद अब हम लोग देखने वाले इस प्रमंडल को। इस प्रमंडल का कलर देखिए और कलर्स मैच करके देखेंगे तो ये पाएंगे पूर्णिया प्रमंडल है। ये कौन सा प्रमंडल है? पूर्णिया। पूर्णिया प्रमंडल में कौन कौन से जिले आते हैं? तो किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार। इसके लिए हम ट्रिक आपको बताते हैं। किशनगंज में किसान है। अररिया को आप अरहर दाल समझ सकते हैं, किसान अरहर दाल उपजाते हैं। और जब फसल पूर्ण हो जाता है, मतलब तैयार हो जाता है, तो उसको क्या कर देते हैं? काट देते हैं, कटिहार। किसान अरहर दाल पूर्ण हो जाना और उसको काट देना, तो किसान से किशनगंज, अररिया हो गया, पूर्णिया हो गया और कटिहार हो गया। ये बिल्कुल याद हो गया होगा। आगे देखिए फिर से, हमारा मैप में ढूंढ पा रहे हैं आप कि कहाँ पर है आपका पूर्णिया प्रमंडल? ये यहाँ पर है पूर्णिया प्रमंडल में। हमने आपको एक ट्रिक बताया था कि पूर्ण हो जाना, क्या पूर्ण होना, ये रहा पूर्णिया। पूर्णिया में क्या पूर्ण हुआ था? तो अरहर दाल पूर्ण हो गया था। अरहर दाल को किसने उपजाया था? तो किसान ने, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, पूर्ण हो गया तो
काट देना कटिहार। इसके ठीक पहले ये था कोसी प्रमंडल। कोसी प्रमंडल में ऊपर वाला कौन था? ये था सुपौल, ये था मधेपुरा और ठीक नीचे में ये था सहरसा। उसके पहले का प्रमंडल था दरभंगा प्रमंडल। बीच में दरभंगा, ऊपर में मधुबनी, नीचे में समस्तीपुर। उसके ठीक पहले था प्रमंडल का नाम तिरहुत प्रमंडल। ये पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, ये आपका मुजफ्फरपुर और नीचे में वैशाली। इस तरह से हमने अभी चार प्रमंडल खत्म कर लिए, अपने दिमाग में बसा लिए हैं। अब आगे, ये है सबसे छोटा प्रमंडल, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था, 5589 स्क्वायर किलोमीटर है। और इस प्रमंडल में आप देखेंगे दो डिस्ट्रिक्ट, भागलपुर और बांका। बहुत मुश्किल नहीं है, दो ही याद रखना है, दोनों बी और बी है, बी बी, भागलपुर बांका। चलिए मैप देखते हैं, कहाँ पर है भागलपुर बांका? तो ये यहाँ पर है, ये सबसे छोटा प्रमंडल है। कौन सा प्रमंडल है? भागलपुर प्रमंडल। ये है भागलपुर और नीचे में बांका। उसके ठीक पहले कौन सा प्रमंडल था? पूर्णिया प्रमंडल। ये किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार। उसके पहले था कोसी प्रमंडल, सुपौल, मधेपुरा और सहरसा। उसके पहले प्रमंडल था दरभंगा प्रमंडल, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। उसके पहले प्रमंडल था तिरहुत प्रमंडल और इसमें है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली। इस तरह से हमने कुल पांच प्रमंडल कंप्लीट किए। अब और चार प्रमंडल हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रमंडल यानी भागलपुर प्रमंडल के ठीक बाद ये कौन सा प्रमंडल है? ये प्रमंडल का अगर कलर देखेंगे तो यह है मुंगेर प्रमंडल। ठीक है, मुंगेर प्रमंडल में मुंगेर नाम का डिस्ट्रिक्ट है, सीधा सीधा आपको दिख रहा है। जिस तरह से भागलपुर प्रमंडल में भागलपुर नामक डिस्ट्रिक्ट था, पूर्णिया प्रमंडल में पूर्णिया नामक डिस्ट्रिक्ट था, वैसे ही यहाँ पर भी मुंगेर नाम का प्रमंडल में मुंगेर नाम का डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा, मूंग का दाल आप सुने हैं, नाम तो सुने होंगे मूंग का दाल। तो मूंग का दाल खाने के लिए होता है और यहाँ पर देखिए खास है खगड़िया है या फिर खग भी आते हैं, खग मने चिड़िया होता है। तो खग क्या खाते हैं? दाल खाते हैं, मूंग का दाल, मूंग का दाल खाना है। बेगूसराय में आपको बैग दिखेगा, बेगूसराय है बैग। और यहाँ पे देखेंगे बैग में क्या है, तो लाखों रुपए है लखीसराय। मूंग की दाल खाते हैं खगड़िया, बैग यानी बेगूसराय में क्या है, लाखों रुपए लखीसराय। चार डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे हो गए, शेखपुरा और जमुई। सीखपुरा, जम के सीख, किसी को भी कहा जाता है, जैसे हम ही आपको सिखा रहे हैं तो हम आपको कहेंगे कि जम के सीखिए, अच्छे से सीखिए। जमपुर जमुई, सिखनपुर शेखपुरा, बैग है बेगूसराय, लाखों रुपए लखीसराय, मूंग का दाल खाना है मुंगेर और खगड़िया। तो ये कौन सा प्रमंडल है? ये है मुंगेर प्रमंडल। तो चलिए देखा जाए मैप में, आपको थोड़ा सा मुश्किल जरूर फील हो रहा होगा, मैं हेल्प करता हूँ आपकी। देखिए यहाँ पर, ये यहाँ पर है, ठीक है। अब बताइए इसमें मुंगेर कहाँ पर है? मुंगेर ये रहा मुंगेर, ठीक है। मुंगेर के ठीक पहले मैंने कहा था खाने के लिए बात, तो खगड़िया हो गया। फिर है बैग, ये बैग है, उसके ठीक नीचे लाखों रुपए लखीसराय। और फिर मैंने कहा था सीखने के लिए, ये हो गया शेखपुरा, जम के सीखना है पर जमुई। थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जब भी आपको डाउट हो कहीं हो तुरंत वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से चेक कीजिए, खुद से रिविजन कीजिए, थोड़ा बैग भी जाइए। आपको बता देते हैं ट्रिक, बैग जाने का बड़ा आसान तरीका है, आपको नीचे स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं है। आप जो स्क्रीन देख रहे हैं यहाँ पर अगर दो तीन बार टैप करेंगे यदि मोबाइल पे, तो ऑटोमेटिक 10-15 सेकंड पीछे चला जाएगा। और इधर साइड यदि दो तीन बार उंगली से टैप करेंगे तो 10-15 सेकंड आगे चला जाएगा, ठीक है। तो फिर से मैं आपको बता दूं यहाँ पे क्या क्या था, ये मुंगेर, खाने से खगड़िया, बैग से बेगूसराय, बैग में लाखों रुपए लखीसराय, सीखने से शेखपुरा और जम के सीखना पर जमुई। ये है मुंगेर प्रमंडल। रिवीजन करते चलेंगे, जैसे कि मैंने कहा था कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। ये भागलपुर प्रमंडल में भागलपुर और ये बांका। उसके ठीक ऊपर पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया ये आपका, ये बताया था मैंने किशनगंज, ये अररिया, ये आपका पूर्णिया और ये कटिहार। उसके ठीक बाद कोसी प्रमंडल, ये आपका सुपौल, मधेपुरा
और यहाँ पे सहरसा, दरभंगा प्रमंडल, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर, तिरहुत प्रमंडल, ये आपका पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, ये आपका है सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और नीचे में वैशाली। कुल कितने प्रमंडल हो गए? 1, 2, 3, 4, 5 और 6 प्रमंडल हम लोग कर चुके हैं। अच्छा, आपसे ये भी याद रखते चलिए कि किस प्रमंडल में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं। अभी आप मुंगेर प्रमंडल देखें, अभी इसमें कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, तो पूरे 6, नीचे एक, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक बगल में ये आपका है मगध प्रमंडल। आप कलर भी यहाँ पे मैच कर सकते हैं, ये है मगध प्रमंडल। देखिए मगध प्रमंडल को स्टार्ट करने से पहले देखिए यहाँ पे ये नवादा है, जिस तरह से मगध में देखेंगे स्पेलिंग लास्ट में एडी है, मगध, गध में एडीएच है, एडी, ऐसी नवादा में भी एडी मिलेगा, नवादा, जहानाबादा, इसमें भी एडी है, औरंगाबादा, हालांकि औरंगाबाद है जहानाबाद है, लेकिन राइमिंग हम मिला रहे हैं ताकि दिमाग में घुस जाए आपके। तो हम पढ़ रहे हैं मगध, नवादा, जहानाबाद और औरंगाबाद, और दो बच गया अरवल और गया, ठीक है। इसमें टोटल 5 डिस्ट्रिक्ट है, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद, अरवल, गया। चलिए देखते हैं इसमें, आप यहाँ पे ढूंढ पा रहे हैं मैप को, देखिए ये यहाँ पर है ये पूरा, ठीक है। तो ये था नवादा, ये है जहानाबाद, ये है औरंगाबाद, ये है अरवल और ये है गया। नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद, अरवल, गया, इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। ये कौन सा प्रमंडल है? ये है मगध प्रमंडल। ठीक पहले हमने किया था, ये था कौन सा प्रमंडल? मुंगेर प्रमंडल। मुंगेर प्रमंडल में मुंगखाना, खगड़िया, बैग है बेगूसराय, लाखों रुपये लखीसराय, सीखने के बाद शेखपुरा और ये जमुई। उसके पहले ये सबसे छोटा प्रमंडल भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर और ये बांका। उसके पहले पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया से मैंने कहा था फसल पूर्ण हो गया था, कोई फसल था, तो ये देखिए किसान जो है किशनगंज, ये आपका अररिया, ये आपका पूर्णिया और ये कटिहार। उसके ठीक पहले कोसी प्रमंडल, कोसी प्रमंडल में ऊपर था सुपौल, मधेपुरा, सहरसा। उसके ठीक पहले दरभंगा प्रमंडल, ये आपका मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। उसके पहले तिरहुत प्रमंडल, ये आपका पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, इस तरह से टोटल 7 प्रमंडल हो चुके हैं, सिर्फ 2 प्रमंडल बचा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इस मैप को देखिए, यानी इस प्रमंडल को देखिए, ये प्रमंडल जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रमंडल है, ये है पटना प्रमंडल। इस मैप में देखिए, इस कलर को मैंने यहाँ पे डिकेट किया है पटना के लिए। अच्छा, इसमें क्या है देखना, तो देखिए यहाँ पे नालंदा से शुरू करते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम सुने हैं, तो नालंदा पढ़ाई का जगह है, तो नालंदा में पढ़ना, एक्चुअली यहाँ पे पटना लिखा है, हम पढ़ना कर देते हैं, नालंदा में पढ़ना, क्या पढ़ना है, तो भोजपुरी पढ़ना है, हमारा बिहार तो भोजपुरी के लिए जाना जाता है, तो नालंदा में पढ़ना भोजपुरी, कौन पढ़ेगा, रोहित, रोहताश, रोहित भोजपुरी पढ़ने नालंदा गया, बहुत इजी, ठीक है। और लास्ट में यहाँ पे देखिए कैमूर और बक्सर है, बक्सा लेकर कमाने लोग जाते हैं, तो कमाने फॉर कैमूर, बक्सा लेकर बक्सूर। तो इस तरह से पटना प्रमंडल खत्म हो गया, नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाना, पटना, भोजपुरी पढ़ने, रोहित पढ़ने गया है, और फिर पढ़ाई खत्म हुआ तो कमाने चला गया बक्सर। चलिए चेक करते हैं, आप यहाँ पे ढूंढ के देखिए, हमारा पटना प्रमंडल कुछ इस तरह से है यहाँ पे, ठीक है, आप उसको हम हाईलाइट कर देते हैं, ये देखिए। अब बताइए ये कौन सा प्रमंडल था, नालंदा, नालंदा के ठीक ऊपर ये पटना, उसके बाद ये भोजपुर, उसके बाद ये रोहतास, ये कैमूर और ये बक्सर। कहानी आपको याद है, जैसे मैंने आपको कहा था कि नालंदा यूनिवर्सिटी है, तो नालंदा में पढ़ना और पटना, क्या पढ़ना है, तो भोजपुरी, कौन पढ़ेगा, रोहित,
पढ़ने के बाद कहाँ जाएगा, कमाने, क्या लेकर, बक्सा लेकर, बहुत ही जी है। तो इस तरह से ये भी कंप्लीट हुआ। आखिरी प्रमंडल है सारण प्रमंडल। सारण प्रमंडल का रंग आप देख सकते हैं, कलर जरूर यहाँ से मैच कर लीजिएगा कभी कन्फ्यूजन हो तो। ये कलर आपको दिख रहा होगा, ये सारण के लिए है। सारण प्रमंडल में 3 डिस्ट्रिक्ट है, सारण, सिवान और गोपालगंज, और इसका हेडक्वार्टर छपरा है। बारी बारी से सबका हम हेडक्वार्टर भी बता देते हैं, बहुत ज़रूरी है। तो हमने अभी भी देखा सारण का हेडक्वार्टर छपरा है, पटना का हेडक्वार्टर खुद पटना है, मगध का हेडक्वार्टर है गया, यहाँ पे मुंगेर का हेडक्वार्टर खुद मुंगेर है, भागलपुर का खुद भागलपुर है, पूर्णिया का हेडक्वार्टर पूर्णिया है, कोसी का हेडक्वार्टर सहरसा है, और यहाँ पे दरभंगा का हेडक्वार्टर खुद दरभंगा है, और तिरहुत का हेडक्वार्टर मुजफ्फरपुर है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो सारण हमने अभी भी देख लिया, सारण, सिवान, गोपालगंज के रूप में डिविजन करते हैं। चलिए आगे, जो सारण है वो कुछ इस तरह से यहाँ से ऐसे बाउंड्री शेयर करता है अदर डिस्ट्रिक्ट के साथ में, ठीक है। हाईलाइट कर देते हैं आपको अच्छे से दिख पाए। देखिए क्या क्या था, सारण, सिवान और ये गोपालगंज। अब बारी बारी से सभी जितने भी प्रमंडल है सबको देख लेते हैं। तो हमने इसके पहले किया था पटना प्रमंडल का। पटना प्रमंडल में हमने कहा था कि रोहित, भोजपुरी, पढ़ने नालंदा गया था, और पढ़ने के बाद कमाने बक्सर गया, बक्सा लेके गया या फिर बक्सर गया, दोनों भी हो सकते हैं। तो बक्सर हो गया, कमाने फिर कैमूर, रोहतास रोहित हो गया, भोजपुर हो गया भोजपुरी, पढ़ना पटना, नालंदा या नालंदा डिस्ट्रिक्ट। अगला डिस्ट्रिक्ट जो था ये था मगध डिस्ट्रिक्ट। ये था मगध में एदी वाला बताया था ट्रिक, ये नवादा, ये है जहानाबाद, और ये है औरंगाबाद, अरवल और ये गया। इसके बाद वाला डिस्ट्रिक्ट था मुंगेर डिवीजन था, और मुंगेर डिवीजन में खुद ये मुंगेर है। मुंगेर मूंग का दाल खाना, खगड़िया, बैग है बेगूसराय, बैग में लाखों रुपए लखीसराय, सीखना शेखपुरा और जम के सीखना जमुई। तो ये हो गया यहाँ पे सबसे छोटा डिवीजन भागलपुर बांका। और यहाँ पे आप देखेंगे पूर्णिया डिवीजन, ये किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार। उसके बाद कोसी डिवीजन, ये था सुपौल, मधेपुरा और सहरसा। दरभंगा डिवीजन, ये है मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। और अंतिम जो हमारा डिवीजन था वो तिरहुत, सबसे बड़ा तिरहुत है प्रमंडल। ये आपका पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और ये वैशाली। इस तरह से सारे डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट हो गए। ये रहे, अब आपको टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट पता है। किसी भी प्रमंडल को उठा के आपको देंगे, उस प्रमंडल में सारे डिस्ट्रिक्ट भी आपको मालूम है। मुझे पिक्चर दिखाई दिया था, आपके लिए मैं देता हूँ, बताइए इसमें से कौन कौन ये डिस्ट्रिक्ट है। देखिए ध्यान से देखिए, ऐसा लग रहा है कोई दानव है और मुंह से आग फेंक रहा है, ठीक है। आप बता सकते हैं ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? देखिए थोड़ा हेल्प करते हैं आपका, आप बताइए, कोशिश कीजिए। चलिए ठीक है, आपने ट्राई किया। आप देखिए ये था शेखपुरा, उसके नीचे नवादा था और ये गया था और ये जमुई था। देखिए जमुई, शेखपुरा, नवादा और ये गया, ठीक है। दो डिवीजन का मिला के ये चित्र बना हुआ है, बहुत ही अट्रैक्टिव है। शायद ही किसी ने ध्यान दिया होगा, ये ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो इस तरह से सारे डिवीजन कंप्लीट हुए। उम्मीद है आपको याद हुआ है, नहीं याद हुआ है तो जरूर चेक कीजिए खुद को और डिवीजन कीजिए। एक बार दो बार देखना पड़े तो वीडियो को जरूर देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन एग्जाम बहुत ही अच्छे जाए, माँ सरस्वती कृपा बनी रहे।